अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत ही प्यारी और लेटेस्ट डिज़ाइन की क्रोशिया बेबी कैप हम आपको बनाना बताएंगे जो कि टू से थ्री इयर्स बेबी के लिए हमने बनाई है अगर आप इसे छोटा या फिर बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको वीडियो में गाइड करेंगे इसको हमने ब्राउन कलर से बनाया है तो ये बनने के बाद और भी प्यारी लग रही है बिल्कुल लगता ही नहीं कि इसको हमने क्रोशिया से बनाया है जब आप ख़ुद ट्राई करेंगे तो आपको ये भी बहुत पसंद आएगी तो स्टेप बाई स्टेप हम आपको बनाना सिखाएंगे तो इन आप ये इज़िली बना सकती हैं पोम्प पॉंप पोम आप चाहें तो लगाएँ स्किप भी कर सकती हैं तो यहाँ पे आपने क्रोशा नंबर देख लेना है थ्री पॉइंट फाइव एम एम क्रोशा एक नंबर क्रोशा का हम ज़्यादा ले रहे हैं स्टेप बनाने के लिए ताकि इसकी जो स्टेप है सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल बने और सबसे पहले आपने फाउंडेशन चेन लेनी है यानी बेसिक चेन हम बनाएंगे नोट लगा के क्रोशिया से इस तरह से एक दो तीन चार पाँच तो इसी तरह आपने चेन को काउंट करते हुए एक सौ दस चेन आपने बेसिक जो है आपने बना लेनी है और इसको हमने दो से तीन ईयर्स बेबी के लिए बनाई है माप करके चेन की कि आपने कितना इसको लॉन्ग रखना है मेजर करके हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं तो देखिए फिफ्टी सेंटीमीटर हमने चैन जो बेसिक चैन है लॉन्ग रखी है अगर आप किसी भी माप के लिए बनाएं यानी अपने लिए बनाते हैं या फिर इससे छोटा साइज बनाना चाहती हैं लिए आपने हेड के अकॉर्डिंग पहले चैन लेनी है उसके बाद आपने चार इंच ज़्यादा लेनी है चैन जब हम इस तरह की चोटिया डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें जो एक्स्ट्रा हम लेंगे उसमें बीच में आ जाएगा बाकी आपकी माप की ही जो डिज़ाइन है वो बचेगी तो एक चैन आपने फर्स्ट वाली स्किप करनी है सेकेंड वाली में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से क्रोशा में डाला चैन में दो लूप्स हैं दोनों को एक साथ ओवर करेंगे तो हमारा क्रोशा सिंगल बन जाएगा तो काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अभी बिगिनर्स हैं तो आप साथ साथ इस तरह से स्टिच भी सीखते रहेंगे सिंगल क्रोशा की ही ये रो आपने इसी तरह बनाते हुए कंप्लीट करनी है तो देखिए फर्स्ट जो चेन की रो है उसको आपने सिंगल क्रोशा से ही फिल करना है लास्ट की दो चेन हम आपको फिर से बना के यहाँ पे दिखा देते हैं दो लूप्स हैं दोनों को ओवर करेंगे ठीक है तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है एक चेन लेके आपने अपने वर्क को दूसरी साइड पे इस तरह से, से टर्न कर लेना है अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है देखिए इस तरह से आपने क्रोशा को लेना है लुप्स के बीच में और निकालते हुए इसको सिंगल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से यहाँ पे देखिए क्रोशा डाला और इस लुप्स के बीच में से निकालते हुए सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो चेन है वो आगे की साइड पे यानी राइट साइड पे आती रहेगी और इससे एक नीटिंग पैटर्न की आपकी जो स्टेप है यानी पट्टियाँ जो आप बेसिक बनाएंगे इस तरह से बनेंगी बहुत प्यारी लगती हैं और इस रो को आपने इसी तरीके से कंप्लीट करना देखें जैसे जो हमारी चेन है फ्रंट पे आती रहेंगी इस लुप्स को पीछे वाले लुप्स को आपने क्रोशा में इस तरह से आगे लेते हुए सिंगल क्रोशा बनाना है सिंपल है और ख़ूबसूरत भी लगती है आपने ज़रूर इस समर में इसको ट्राई करना है कमेंट करके भी आप हमें बताइएगा तो इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद हम आपको दिखाती हैं देखिए इस तरह का जो चेन का डिज़ाइन है वो फ्रंट पे आता रहेगा राइट साइड पे लास्ट के दो स्टिच हम आपको फिर से दिखा देते हैं बना के देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया डालेंगे निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो लास्ट की हमारी एक चेन बचेगी यहाँ पर तो लास्ट में आपने सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है ताकि इसको बराबर शेप में ये आपकी जो पट्टी है वो बन के तैयार हो अब एक चैन लेके दूसरी साइड पे अपने बार को इस तरह से लेंगे तो देखिए ये हमारी राइट साइड है अब हम राइट साइड पे देखें किस तरह से चैन को आगे की साइड पे लेंगे पीछे की साइड पे आप नहीं बनाना अब हमें इस तरह से लेना है एक चैन लेके देखें क्रोशा को पीछे लेते हुए लुप्स को हम पीछे की साइड पे लेंगे और जब पीछे की साइड पे हम बनाएंगे तो ये जो चेन है खुद ब खुद आगे की साइड पे आ जाएगी इस तरह से पीछे की साइड पे लेते हुए क्रोशा को इसके बीच में लेंगे लुप्स के और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो ये जो हमारी चेन है वो राइट साइड पे आ जाएगी यानी इसकी जो शेप है बहुत ही प्यारी सी बन के आएगी थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है यहाँ पे हम आपको थोड़ा स्लो बना के दिखा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और दूसरे लूप्स में निकालते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ठीक है तो बहुत सिंपल और आसान तरीके से हमने आपको यहाँ पे समझाया बट अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो इसी तरह ही बनाते हुए इस रो को भी आपने कंप्लीट कर लेना है ब्राउन uh, कलर में बहुत इसका जो लुक है रेडीमेड आया है बनने के बाद वो आपकी चॉइस है अगर आप इसे दूसरे कलर्स में भी बनाना चाहते हैं तो भी ये बहुत प्यारी लगेगी लेटेस्ट डिज़ाइन है और इसी तरह ही आपने इस रो को कंप्लीट कर लेना है तो देखिए यहाँ पे ये जो चेन है दूसरी रो में भी ये फ्रंट पे आई है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ ये हमारी सेकेंड रो है अब इसके बाद हम लास्ट की थर्ड रो बनाएंगे वो आपकी जो है अगर आप इसको थोड़ा चौड़ा बनाना चाहती हैं तो चार से पांच रो भी आप इसकी बना सकती हैं इसमें कोई भी फंदा आपने इंक्रीज़ नहीं करना सेम आपके पास जितना स्टिच है सब में ही इसी तरह बनाते हुए सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है तो लास्ट के दो स्टिच हम आपको फिर से यहाँ पे बना के दिखा देते हैं ताकि इसका पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए लास्ट के जो हमारा स्टिच बचेगा उसमें आपने सिंगल क्रोशिया इस तरह से बना लेना है एक चैन लेके अपने वर्क को दूसरी साइड पे टर्न कर लेना है तो दो रो आपने कंप्लीट इसी तरीके से कर लेनी है ये हमारी थर्ड रो है तो थर्ड रो को आपने सेम जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई है उसी तरीके से ही बनाना है क्रोशिया डाल के पीछे वाला फंदा आगे की साइड पर लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से क्रोशिया डालेंगे बीच में और पीछे वाला फंदा आगे की साइड पे लेते हुए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो इससे भी हमारी जो चेन है वो फ्रंट साइड पे आएगी बहुत प्यारा लगता है इस तरह का डिज़ाइन स्ट्रैप पे जब आप इस तरीके की स्ट्रैप बनाएंगे तो बिल्कुल नीटिंग डिज़ाइन की स्ट्रैप जो है आपकी रेडी होंगी इस रो को पूरा हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है आ, एक तो स्टिच हम आपको फिर से यहाँ पे रिपीट बना के दिखा देती हैं तो हमने अपनी स्टेप को जस्ट थ्री रोज में कंप्लीट किया है अगर आप इसे थोड़ी चौड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी फ़ोर रो या फिर फाइव रो भी बना सकते हैं वो आपकी चॉइस है अगर आप इसको थोड़ा आ, इसकी जो चौड़ाई है बड़ी लेना चाहते हैं तो चार से पांच रो आप बना सकते हैं थ्रेड को हमने थोड़ा सा छोड़ के कट किया है अब हम इस थ्रेड में नीडल डालेंगे तो देखें आपको राइट साइड पे इस तरह की डिज़ाइन मिलेगी चेन वाली और बैक साइड पे बिल्कुल सिंपल बनेगा और देखिए सॉफ्ट और स्ट्रेजबल बनिए हमारे स्टेप इस तरह की आपने एक बराबर तीन पट्टियाँ रेडी करनी है ठीक है नीडल को आपने इस तरह से थ्रेड में डाल लेना है अब तीनों पट्टियों को आपने इस तरतीब से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए नीडल के साथ स्टिच कर लेना है सीधी सिलाई आपने लगा लेनी है तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैप जो है स्टिच हो चुकी हैं अब हम इसको इस तरह से गूँध लेंगे जैसे चोटी हम बनाते हैं सेम वैसे ही आपने इसको बना लेना है आपने इसको जो है लूज में बनाना है ज़्यादा टाइट नहीं लेना लूज में आपने सेट करते हुए हर पट्टी को इस तरह से गूँध लेंगे हम साथ साथ आप सेट भी करते जाइए इस तरह की स्ट्रेप वाली जो कैप है लेटेस्ट डिज़ाइन है बहुत प्यारी लगती है बनने के बाद आप किसी भी कलर में बनाइए तो बहुत प्यारा सा इसका पैटर्न है ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस समर में साथ साथ आपने सेट करते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए लास्ट में आपने एक बराबर फिर से जो हमारी पट्टियाँ हैं उनको रखते हुए अब यहाँ पे हम सेफ्टी पिन को इस तरह से लगा देंगे बीच में इसके बाद ये हमारा जो डिज़ाइन बना है उसकी लेंथ भी हम आपको दिखाते हैं एक सरे से लेके दूसरे सरे तक हम आपको माप करके दिखाते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक बात आ, हम आपको गाइड करेंगे कि जितना आपके बेसिक चेन की लेंथ हो इस तरह के स्टेप जब आप बना लेंगे डिज़ाइन में तो सेम एक जैसा ही आपको इसका जो मेजरमेंट है एक बराबर आना चाहिए एक दो इंचज़ अगर ज़्यादा या फिर कम है तो वो एडजस्ट हो सकते हैं बट तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए इसके बाद हम इसमें मोती अटैच करेंगे जहाँ जहाँ आपको ये वाले जोड़ नजर आएंगे उन सब में आपने टांका लगाते हुए आ, मोती भी लगा लेना है अगर आप सिंपल लेना चाहते हैं तो जस्ट आपने सिंपल टाँके लगा लेनी है जहाँ जहाँ आपको इस तरह के बीच में आ, जो जोड़ हैं उन सब में आपने इस तरह से मोती लगा लेना है तो और भी ख़ूबसूरत इसकी जो लुक है बनने के बाद आएगी तो एक यहाँ पे हमने मोती इस तरह से अटैच कर लेना है थ्रेड को वापस हम बैक साइड पे निकाल देंगे इसके बाद नीडल को लेते हुए हम दूसरे सरे पे आएंगे इस तरह से अच्छे से साथ साथ अपने स्ट्रैप को सेट भी करते हुए इसमें मोती लगानी है ताकि इसकी शेप जो है अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनने के बाद आज है इसमें कोई गड़बड़ ना हो जैसे हमने आपको बताया है सेम तरीके से आपने मोती लगाते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है ठीक है जब आप मोती लगा लेंगे या सिंपल टांके लगा लेंगे तो स्ट्रैप जो है अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी आप जब भी इसको यूज़ करेंगी तो ये पट्टियाँ जो हैं अपनी जगह से हिलेंगी नहीं आ, बिल्कुल राइट आपकी जो लुक है रहेगी इसके बाद जो हमारी सीधी साइड है उसको आपने अंदर कर लेना है और जो उल्टी साइड है यानी रॉन्ग साइड है उसको आपने बहर लेते हुए दोनों जो सरें हैं एक बराबर रखते हुए सेफ्टी पिन आपने निकाल लेनी है अब यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है हमारी बीच की जो सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है अब हम इसको सीधा कर लेंगे इसके बाद आगे का पैटर्न किस तरह से बनाना है वो हम आपको दिखाते हैं क्रोशिया में थ्रेड को इस तरह से पहले स्लिप नोट लगाएंगे और किसी भी स्टिच में आप ये राउंड है तो आप किसी भी स्टिच में क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लीजिए पहले दो चैन लेंगे और इसके बाद पास वाले स्टिच में आपने क्रोशिया डाल के डबल क्रोशिया बनाना है तो जितना भी आपको ऊपर की जो स्टेप है आ, स्टिच नज़र आए साथ में ही कुर डबल क्रोशिया का लुप्स आप बनाते जाइए बट जहाँ पे आपको आ, दोनों पट्टियों का जोड़ आएगा वो हम आपको गाइड करेंगे कि इसमें किस तरह से बनाना है तो देखें यहाँ पे जॉइंट किस तरह से दोनों स्टेप को करना है एक हमारी स्टेप ऊपर है और एक नीचे तो पहले ऊपर वाली में हम क्रोशिया डालेंगे और उसके बाद जो हमारी नीचे वाली स्टेप है दोनों में इस तरह से एक बराबर क्रोशिया डाल के दोनों स्टिच में डबल क्रोशिया का लुप्स बनाएंगे तो हमारी दोनों स्टेप जो है जॉइन हो जाएंगे इस तरह से बाद आपने फिर से हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाते हुए स्टेप के जो सेकंड जो हम आपके जोड़ है वहाँ पे अपने वर्क को ले आएंगे तो देखिए यहाँ पे किस तरह से आपने यहाँ पे डाला क्रोशा और सेम नीचे वाले स्टेप में भी आपने क्रोशा डाल के डबल क्रोशा बना लीजिए तो जब आप इसी ट्रैक से बनाएंगे तो ऊपर की जो रो है डबल क्रोशा की वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपने सेम इसी तरह ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए तो हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है डबल क्रोशा की अब हमने यहाँ पे थ्री चेन ली थी उसकी थर्ड वाली चेन में क्रोशिया डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे तो फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है आप देखें जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है थ्रेड को सेम उसी स्टिच में आगे की साइड पे तीन चैन लेंगे इसके बाद जो हमारा ये वाला लुप्स है इसको बाइक साइड पे बनाना है पीछे की साइड पे आपने इस लुप्स को बनाना है और इसके बाद वाला जो स्टिच है थर्ड वाला उसको आपने फ्रंट पोस्ट पे बनाना है एक आपने लुप्स बैक पोस्ट पे बनाना है और एक लुप्स आपने फ्रंट पोस्ट पे बनाना है तो ये जो है सिंपल पैटर्न है बहुत प्यारा लगता है एक आपने पीछे की साइड पे लुप्स बनाना है और एक आपने आगे की साइड पे बनाना है इसी तरीके से आपने बनाते हुए सेकेंड रो कम्प्लीट कर लेनी है हम आपको कम्प्लीट करने के बाद दिखाते हैं तो यहाँ पे हमारी सेकंड रोक कंप्लीट हो चुकी है आ, स्टार्टिंग वाले जो हमारे थ्री चैन का लूप्स है उसी में से हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे जो हमारा फर्स्ट स्टिच है फ्रंट पोस्ट पे अपने लूप्स को बना लेंगे अब जो हमारा बैक पोस्ट पर लूप्स है उसको आपने बैक पोस्ट पर ही बनाना है इसको आपने इस वाले को फ्रंट पोस्ट पे बनाना है तो इतना आपने समझ लेना है सिंपल है जो फंदा आपको आगे की साइड पे नज़र आए आप उसे आगे की साइड पे बनाइए और जो फंदा आपको पीछे की साइड पे नज़र आए आप उसको पीछे ही बनाते हुए इसकी सात से आठ रो आ, और बना लेनी है ठीक है इसी तरीके से बनाते हुए हम इसकी आ, जो है आठ रो और बना के आपको दिखाती हैं सिंपल है तो इसमें आपने ना फंदा बढ़ाना है और ना ही कम करना है जितना आपके पास लूप्स हैं सेम उसे ही बनाते हुए हमने इसकी टेन रो कंप्लीट की हैं दस रो हमने बना ली हैं हम आपको काउंट करके दिखा देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन रो हमने बनाई है इसके बाद हम इसकी आपको जो है माफ करके दिखाते हैं कितनी हमने इसको सेंटीमीटर तक बना लिया है तो थर्टीन सेंटीमीटर हमने इसको आ, बना लिया है इसके बाद हम इसकी आ, जो है फंदे कम करेंगे थ्रेड को जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है उसी लूप्स को फ्रंट पोस्ट पे बनाने के बाद देखिए ये वाला जो हमारा बैक पोस्ट वाला लूप्स है हम आपको पास से दिखा देते हैं जो हमारा बैक पोस्ट वाला लुप्स है उससे हम स्किप करेंगे ठीक है छोड़ देंगे और जो हमारा फ्रंट पोस्ट का लूप है उसे ही सेम हम बनाएंगे तो देखिए ये वाला लूप पीछे वाला आपने छोड़ देना है स्किप करना है और फ्रंट पोस्ट का ही लूप्स आपने लेते हुए इसको बनाना है इस तरीके से इस रो को आपने कंप्लीट कर लेना है तो एक रो हमने डिक्रीज अपने लूप्स करते हुए कंप्लीट कर ली है ये हमारी दूसरी रो है इसमें आपने कोई भी नो डिक्रीज़ ये आपने सिंपल बनानी है इसमें कोई फंदा आपने कम नहीं करना जैसे हमने अभी बताया है आपको उसी तरीके से इसको भी आपने बनाना है जितने लूप हमने आगे की साइड पे बनाए हैं उससे ही आप बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कीजिए इस तरीके से डिक्रीज़ uh, करते हुए जैसे हमने इसकी फ़र्स्ट रो बनाई है सेकंड रो भी आपने इसी तरीके से बनानी है हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं एक दो लूप्स और बना के लास्ट के दिखा देती हैं यहाँ पे आप थ्रेड को ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने के बाद ध्यान से देखिए अब हमने किस तरह से बनाना है देखें काफ़ी हमारे इसमें लूप्स जो हैं कम हो चुके हैं कम करते हुए ये हमारी तीसरी रो है तो तीसरी रो को आपने किस तरीके से बनाना है यहाँ पे ध्यान से देखिए फ्रंट पोस्ट का एक फंदा आपने बना लेना है जहाँ पे थ्रेड को ज्वाइन करना है इसके बाद एक और फ्रंट पोस्ट का फंदा आपने बनाना है तीन लूप्स आपने फ्रंट पोस्ट पे बना के इससे जो फोर्थ वाला स्टिच है उसे आपने स्किप करना है और इसके बाद फिर से तीन लुप्स जो हैं आगे की साइड पर बना लेने हैं और जो हमारा चौथा लुप्स होगा उसे आपने छोड़ देना यानी स्किप कर लेना है प्रपेट देख लीजिए तीन आपने फ्रंट पोस्ट पे लुप्स लेनी है और जो फोर्थ वाला है उसे आपने स्किप करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेना है तो इस तरह से हमारी कैप की जो ऊपर की शेप है प्रॉपर बन के आएगी जब हम इसी तरीके से फंदे अपने कम करते जाएंगे थ्रेड को ज्वाइन करने के बाद फ्रंट पोस्ट पे एक लुप्स लेना है एक और फ्रंट पोस्ट पे लुप्स लेंगे तो दो हो गए अब जो हमारा तीसरा यानी थर्ड वाला स्टिच है उसे आपने स्किप करना है तो इस रो में आपने दो दो फ्रंट पोस्ट पे लुप्स लेने के बाद जो तीसरा स्टिच है उसे स्किप करना है छोड़ देना है दो आपने लेनी है और जो तीसरा स्टिच है उसे आपने स्किप कर देना है इस रो को भी आपने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है फिर डिटेल से हम आपको वीडियो में गाइड कर रहे हैं अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा दिक्कत हो रही है समझने में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो इस रो को हमने इसी तरीके से जैसे हमने बताया है कंप्लीट कर लेना है इसके बाद एक आपने लुप्स लेना है फ्रंट पोस्ट पर इस तरीके से एक आपने स्किप करना है और एक ही आपने लूप्स बनाना है तो इसी तरीके से फ्रंट पोज पे एक लूप्स हम बनाएंगे और एक को आपने छोड़ देना है इस रो को हम बना के आपको दिखाते हैं तो देखें प्रॉपर हमारी कैप की जो शेप है वो बन चुकी है इसके बाद थ्रेड को थोड़ा सा छोड़ के आपने कट कर देना है अब थ्रेड में आपने नीडल डाल लेनी है और ये वाला जो हमारा स्पेस है इसको आप नीडल के साथ ही स्टिच कर लीजिए ये वाला जो थोड़ा सा हमारा गैप है इसको हम नीडल के साथ इस तरह से बंद कर देंगे अब थ्रेड को यहाँ पे हम अच्छे से खींच लेंगे और इसकी उल्टी साइड पे यानी रॉन्ग साइड पे आपने यहाँ पे इसको अच्छे से नोट लगा के थ्रेड को एडजस्ट कर लीजिए तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी हमारी बेबी कैप जो है रेडी हो चुकी है अगर आप इसको सिंपल यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये बहुत प्यारी लगेगी इसका जो लुक है बिल्कुल रेडीमेड लुक इसका बनने के बाद आया है और ब्राउन कलर में तो वैसे भी ये बहुत प्यारी लग रही है अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम इसके लुक को और भी खूबसूरत और रेडीमेड बनाने के लिए इसमें पोम्पोम का यूज़ करेंगे इस तरह का पोम्पम आपको किसी भी गारमेंट शॉप पर आपको मिल जाएगा बेबी गारमेंट्स जहाँ पर सेल होती हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह के पोम्पोम मिल जाते हैं रेडीमेड और या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं अगर आप हैंडमेड पोम-पोम बनाना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं आप हैंडमेड पोम-पोम भी बना के इसमें यूज़ कर सकती हैं तो देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी हमारी बेबी कैप जो है रेडी हो चुकी है पोम-पोम हमने लगा लिया है तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को याद से आपने लाइक करना है चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो कैनली चैनल को प्लीज़ आपने सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको इससे भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने को और सीखने को मिलेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप कैप्स के और भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सा ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़